न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, राजस्थान में इस वक्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था, काफी बयानबाजी हुई सबकी तरफ से हुई, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे फिर वो केसी वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, सबने एक एक करके राजस्थान विवाद पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी अपनी टिप्पणी की। अब खबर ये आ रही है कि पायलट ने गहलोत की तारीफ की है और गहलोत ने पायलट की तारीफ। दोस्तों, ये जो पूरा माजरा है, ये माजरा क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत दिलचस्प चर्चा होने वाली है, पहले बता रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, इसीलिए आपको ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि देखिए, सियासत अपने आप में दिलचस्पी वाली चीज है, अगर आपने एक बार दिलचस्पी लेनी शुरू की तो आपको इसकी लत लग जाएगी और फिर आप एक एक अपडेट लेना चाहेंगे। इसीलिए देखिए, आज हम ये गर्म मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए, इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाजिब मौजूद हैं। शाजिब, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शाजिब। अभी इस वक्त देखिए, राजस्थान में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था, अशोक गहलोत सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं, सचिन पायलट अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं। तो ये दो लोग जो कि धुर विरोधी कहे जाते हैं, राजस्थान में कांग्रेस के दो गुट बने हुए हैं, पायलट गुट और गहलोत गुट, अब दोनों गुट आपस में मित्र बन गए हैं, मित्रता हो रही है। बताया ये जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने हड़काया है सबको, और खासकर यहाँ गहलोत गुट को हड़काया है कि अगर एक भी बयान दिया ना तो 24 घंटे के अंदर फैसला कर दूंगा, तुम्हारा बाहर कर दूंगा पार्टी से। तो केसी वेणुगोपाल का डर है या फिर 2023 के चुनाव को लेकर डर है, क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर फैसला साफ हो गया है जयंती। वेणुगोपाल जिस तरीके से वहां पर गए हैं, तो जिस तरीके से अब दोनों जो है सनम पास आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कभी एक दूसरे के दूर विरोधी हुआ करते थे। जयंती, आप देखिए कि अभी दो दिन पहले की बात है, हमने खबर बताई है, गद्दार कह दिया, बड़ी बगावत हो सकती है, और यहाँ पर देखिए कि तुरंत जो है अब दोनों सनम पास आ गए। कितने करीब से दोनों एक दूसरे के जो है बयानों को सुन रहे थे, जो अशोक गहलोत जिनको सचिन पायलट की जी बिल्कुल मीटिंग हुई है, और जो सचिन पायलट की जो है खुशबू अगल बगल बर्दाश्त नहीं थी अशोक गहलोत को, वो आज कह रहे हैं कि पायलट की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं उनके बगल में, हाँ पायलट बहुत जरूरी नेता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जरूर झटका लगा, लेकिन झटका किसको लगा जयंती, सही मायने में पता है गहलोत को लगा है। क्यों? आप देखिए, क्योंकि जो बयान दिया गहलोत ने, उसके बाद आप देखिए कि राजेंद्र गुड़ा का जिस तरीके से बयान आया कि 80% विधायक अभी सचिन पायलट के समर्थन में है, और उसके बाद गहलोत के जो गुट के विधायक थे वो भी यहाँ पर विरोध में उतर गए। तो जिन 92 विधायकों की शक्ति अपने बांह पर दिखा रहे थे गहलोत, शायद वो विधायक आउट ऑफ संपर्क चल रहे हैं, और यही कारण है कि वेणुगोपाल केसी वेणुगोपाल जो है राजस्थान में पहुंचे और उन्होंने बैठक करके बता दी कि देखिए, जो आपने किया सो किया, लेकिन अब पासा जो है वो पलट चुका है। अगर कुछ भी बयानबाजी की 2023 तक और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच नरेश उत्तम जैसे नेताओं को अगर मौका दिया तो फिर सत्ता और कुर्सी दोनों बदल जाएगी, वक्त नहीं लगेगा। तो ये फटकार जो है अशोक गहलोत को लगी है, और सचिन पायलट फिलहाल सब्र के मूड में चले गए, क्योंकि जानते हैं कि 2023 का चेहरा उन्हें ही बनना है। तो 2023 का चेहरा पायलट को ही बनना है। तो आप कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा जताते नजर आ रहे हैं शाजिब, कि 2023 में अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं पता चल गया 2023 में उनका रिप्लेसमेंट सचिन पायलट बनने वाले हैं। क्यों? देखिए, इतना आसानी से गहलोत भी मान गए होंगे, ये भी जयंती आश्चर्य वाली बात। बिल्कुल, हो सकता है केंद्र की लालच दे दी गई हो कि केंद्र में आपको भेज दिया जाएगा आगे केंद्र में, क्योंकि देखिए, हालांकि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि आगे 2024 या 2029 तक अभी केंद्र में कांग्रेस अपना वर्चस्व दोबारा से बना सकेगी इस तरीके का कि अपना खुद का मंत्रिमंडल का विस्तार करे, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गहलोत को इस बात का यकीन दिलाया गया, और गहलोत ने इस बात को कबूल भी इस वजह से लिया होगा क्योंकि गहलोत फिलहाल अपने को कमजोर भी महसूस कर रहे हैं। देखिए, मजबूरी में आटा गीला जयंती, ये कहावत आपने, हाँ,
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वही अशोक गहलोत के साथ जो है फिलहाल हो गया। और अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर सर झुकाए नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट उनके सामने बड़े बड़े राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं कि यात्रा को ऐसे बनाएंगे, ऐतिहासिक बनाएंगे। और वो जो बयान मैंने सुना ना जयंती, तो मेरा यकीन मानिए कि अशोक गहलोत का चेहरा देख करके जो है मुझे सच में अफसोस आने लगा कि वो नेता जो सत्ता का जादूगर कहा जाता, उसे कैसी कांग्रेस आला कमान की फटकार लगी कि एक मिनट में शांत हो गया और कैसे बगल में उसी के खड़ा है जिसको कल तक गद्दार बता रहा। बिल्कुल, देखिए ये राजनीति का एक आप बोल सकते हैं दिलचस्प पहलू है जी, बिल्कुल। कि आज क्या हो रहा है वो कल आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो कल हो रहा था वो आज नहीं हो रहा। और देखिए कांग्रेस आला कमान का यहाँ पर यकीन देखिए केसी वेणुगोपाल पर, कि उन्हें पता था कि केसी वेणुगोपाल को वहां अगर हम भेजेंगे तो फिर वो शांत करा देंगे। इस वजह से राहुल गांधी ने परसों ही बयान दे दिया कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा पर इसका हाँ, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा, तो इससे साफ यहाँ पर ये दरस रहा है जयंती के अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के है, आला कमान अभी भी गांधी परिवार है और गांधी परिवार ही कांग्रेस पर अपने हाथ दबाया हुआ है। जी, तो गांधी परिवार ने गांधी परिवार पर कांग्रेस ने हाथ दबाया हुआ है और इस वक्त गहलोत उसमें अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अशोक गहलोत जो है, अशोक गहलोत ने इस तरीके का बयान कैसे वो दे सकते हैं, मुझे मैं अभी भी असमंजस की स्थिति में हूँ शाजिर, क्योंकि देखिए अभी इस वक्त मैं बात करूँ तो गद्दार भी उन्होंने बताया था, ये विवाद तो अभी नहीं छिड़ा था, इससे पहले पीएम मोदी की तारीफ भी वही कर चुके हैं। तो ऐसे शख्स जो कि राजस्थान की सियासत में ही नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में भी इंदिरा गांधी के जमाने के नेता है, तो उसी से उनका कद समझा जा सकता है, किस कदर उनको अनुभव होगा खासकर कांग्रेस पार्टी में। अगर वो इस तरीके का बयान देते हैं और उसके बाद अपना नर्म रुख दिखाते उन्हें हैं, डर जो लग रहा है जयंती, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में जिस समय वो केंद्र की सियासत में थे उस समय नेता कुछ और थे, नेता कोई और थे, लेकिन अब जो नेता आ गए हैं राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये नेता थोड़े नए युग के नेता है जयंती। और उस समय जो केंद्र की कैबिनेट हुई उसमें यहाँ पर सचिन पायलट की काफी मजबूत पकड़ रही है और अभी भी गांधी परिवार के बहुत दुलरवा माने जाते हैं सचिन पायलट, सचिन पायलट सोनिया गांधी के नहीं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के। इस वजह से जब मानेसर गए थे, जी बिल्कुल, इस वजह से जब मानेसर गए थे उस समय सोनिया गांधी के बाद से रिटर्न नहीं हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मनाया कि चलो आ जाओ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मान वापस दिला दूंगी, तो यहाँ पर वो आसानी से मान गए थे। और इसी बात से जो है यहाँ पर डर है क्योंकि सोनिया गांधी देखिए सियासत में अब अनएक्टिव हो गई, आप देख सकती हैं कि उनका उतना बयान जो है यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इस वजह से उन्हें डर लगा कि मध्य प्रदेश में जो है दोनों आला कमान गांधी परिवार के, उसके साथ जो है सचिन पायलट है, इसका मतलब राजस्थान में यात्रा घुसते ही कोई सियासी उलटफेर ना हो। इस बात के डर ने गहलोत को ऐसा बना दिया कि एक ही दिन में 6-6 बार गद्दार बोले। जी, तो एक दिन में 6-6 बार गद्दार भी बोले और अब पलट चुके हैं, ऐसे पलटे हैं कि अब उनको पलटू की उपाधि भी मिल सकती है, ये भी कहना सही होगा काफी हद तक। अब दोस्तों देखिए राजस्थान की सियासत में संग्राम छिड़ा था, इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता था, हालांकि देखिए अभी भी फायदा संभव है क्योंकि जेपी नड्डा जी 1 दिसंबर को पहुंचने वाले हैं जयपुर, और वहां पहुंचकर ये इस बात का जरूर जिक्र करेंगे कि गहलोत जो पहले गद्दार बता रहे थे वो अचानक बदले, क्योंकि यहाँ धमकियां दी गई सीधे तौर पर, केसी वेणुगोपाल ने हड़का दिया, फिर पहले राहुल गांधी हड़का चुके थे, सोनिया गांधी पहले हड़का चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हड़का चुके हैं, तो यहाँ लगातार जब फटकार लगी है तब जाकर कांग्रेस खेमा माना है और लोगों को बाकायदा बोला गया है कि आप अगर बयानबाजी की तो 24 घंटे में तुम्हारा इस्तीफा तय हो जाएगा, यहाँ सीधे तौर पर। तो देखिए बीजेपी इसका फायदा आगे उठा सकती है, इसकी पूरी पूरी संभावना है, हालांकि अब इसके चांसेस थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक नजर आ रहे हैं दोस्तों, हालांकि ये जो संबंध है ये कितना आगे तक नजर आता है ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, और इसका जवाब मिलते ही आप तक फिर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तो मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।